हेलो दोस्तों, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आप लोग मुझसे कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के जरिए जुड़ सकते हैं, जैसे कि ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, हमारी वेबसाइट है www.plusoneonline.com के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। जानकारी के लिए बता दूँ कि हमारा ऑनलाइन कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कई सारे कोर्सेज हम लोग ने ऑलरेडी शुरू कर दिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ऑटो कैड, एम्बेडेड सिस्टम, प्रोग्रामिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, एडवांस एक्सेल, जैसे कई सारे कोर्सेज हम लोग ने शुरू कर दिए। और भी हम लोग कई सारे नए नए कोर्सेज उसमें लाने की कोशिश करेंगे, जिसके ज़रिए आप आपका पढ़ाई घर पर बैठे बैठे आसानी से सीख सकते हो। ये कोर्स करने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप के जरिए करना है तो www.plusoneonline.com के जरिए कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर एक ऐप है हमारा प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, जो कि आप मोबाइल में डाउनलोड करके जिसके ज़रिए भी ऑनलाइन कोर्सेस आप सीख सकते हो, और वो भी बहुत ही आसानी से और एकदम किफ़ायती दामों में। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इन दोनों के बीच क्या अंतर है। ये शायद ये जो डिवाइसेस है आपने शायद देखे हुए रहेंगे, कंपोनेंट जो आपने स्क्रीन में दिखाई दे रहे ये शायद आपने पहले दिखा रहेगा, क्योंकि मैंने इन दोनों के ऊपर अलग अलग वीडियोज़ बना चुका हूँ। लेकिन आज का जो मेरा वीडियो का मकसद है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को मापना है, इन दोनों के डिफरेंस आपको बताना है। तो उसमें से जो पहला है उसको हम बोलते हैं LDR। LDR क्या है, क्या काम करता है, हम लोग आगे देखेंगे। और दूसरा जो है फोटोडायोड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं LDR से। तो LDR का मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। सबसे पहले तो मैं इसकी थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये LDR है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ अजीब सा जो सिंबल बना हुआ है, राइट, यहाँ पे अजीब सा कुछ मार्किंग बना हुआ है। सबसे पहले इसकी जानकारी दे दूं कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें दो रॉड रहता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो रॉड है, बराबर दो यहाँ पर रॉड दिख रहा है ना, इसको हम लोग रॉड बोलते हैं। तो ये मेटालिक रॉड है, मेटालिक फ्रेम कनेक्टर, कनेक्टर भी आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे जैसा आपको ये डिज़ाइन जैसा कुछ दिख रहा है, ये है कैडमियम सल्फाइड का ट्रैक्स है। क्या है? कैडमियम सल्फाइड। इसकी हालांकि इसकी पूरी जानकारी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ मेरे जूने कुछ वीडियोस के अंदर, क्योंकि मैं LDR के ऊपर ऑलरेडी दो वीडियो बना चुका हूँ, उसका वर्किंग के ऊपर और उसका कंस्ट्रक्शन के ऊपर। इसमें थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि इसमें एन टाइप सेमी कंडक्टिंग मटेरियल का यूज़ होता है, क्योंकि ये जो कैडमियम सल्फाइड है वो भी एक प्रकार का मटेरियल है जो कि सेमीकंडक्टर है, और उसी सब्सटेंट की वजह से जैसे उस पर लाइट गिरती है तो ये काम शुरू करता है, और लाइट नहीं गिरने पर ये काम रोक लेता है। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, पहले मैं उसकी जानकारी दे दूँ आपको। यहाँ पे LDR का जो मतलब रहता है, ये LDR कैसे काम करता है उसका थोड़ा सा विवरण लिखा हुआ है, जैसे कि ये मेजरमेंट ऑफ एम्बियंस लाइट लेवल ऑफ लाइट सेंसर कैन बी यूज टू LDR, यानी कि एक प्रकार का लाइट का सेंस करने का जो काम करता है वो है LDR। LDR का फुल फॉर्म लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर, जिसके ऊपर जो आपको लेयर दिख रहे थे ये एक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल प्लेट है जिसमें दो रॉड रहता है और एक सरफेस रहता है, और इसका जो रजिस्टेंस रहता है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू का रहता है। इससे होता क्या है, इन डार्क और ए डिम लाइट एनवायरमेंट डार्क मेटल कंटेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द रिलेटिव वेरी स्मॉल अमाउंट there are number of free electrons to flow the electric charges. This is the material in a poor condition of electric current because the very high resistance material. In short, मैं आपको बता दूँ कि जब तक मैं उसके ऊपर रोशनी नहीं डालूँगा तो मेरा करंट में आगे नहीं बढ़ा पाऊँगा, यानी ये फुल रजिस्टेंस मोड पर रहेगा। जैसे इसके ऊपर कुछ रोशनी गिरेगी तो मेरा जो भी सप्लाई वगैरह है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप सही समझ रहे? ये देखें, यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये LDR है, जैसे उसके ऊपर रोशनी गिरेगा तो मेरा जो भी सप्लाई या जो भी मेरा सर्किट है वो अपना कनेक्शंस आगे बढ़ा देगा, और जैसे ही मैं लाइट बंद कर देता हूँ तो ये जो है यहाँ के यहाँ रुक जाती है। ये एनिमेशन के ज़रिए आप देख सकते हैं आसानी से। तो ये है LDR का बेसिक यूज़। अभी चलते हैं फोटोडायोड के ऊपर। आपको LDR का और डिटेल जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी वीडियो है मेरा, ठीक है। फोटोडायोड की बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोडायोड। तो बेसिकली ये डायोड ही है रहता है। फोटोडायोड लाइट सेंसर कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू कन्वेंशनल डायोड PN जंक्शन, यानी कि जो हमारा नॉर्मल डायोड रहता है जिसमें P जंक्शन और N जंक्शन रहता है, उसी प्रकार का एक डायोड है कि उसको हम लोग फोटोडायोड बोलते हैं। इसको फोटोडायोड इसके लिए बोलते हैं क्योंकि उसके ऊपर का जो सरफेस है, आप देख सकते हैं ऊपर का जो भाग है ये ट्रांसपेरेंट रहता है,
या चमकदार रहता है, जिसकी वजह से या लाइंस जैसा रहता है, जिसकी वजह से जो पीएन जंक्शन जो है वो एक सेंसिटिव बन जाता है, एक सेंसिटिविटी उसको मिल जाती है, लाइट की सेंसिटिविटी बेसिकली। उसके बाद जैसे ही रोशनी गिरेगा तो ये काम करता है। लेकिन ये इसकी जो अगर खासियत मैं थोड़ी बताने की बात करूँ आपको, इंटरसेक्शन विल रिस्पॉन्स टू लाइट स्पेशली द लॉन्ग वेव लेंथ सच इज रेड एंड इंफ्रारेड देन विजिबल लाइट। यानी ये लाल लाइट या इंफ्रारेड लाइट के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर पाता है। हालांकि मैं इस वीडियो में दोनों के डिफरेंस बता रहा हूँ, लेकिन अब तक मैंने कोई डिफरेंस की बात नहीं की, मैंने खाली उनके समझाने की कोशिश की कि कैसे काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, यहाँ पर यह एग्जाम्पल दिखा हुआ है कि ये जो हमारा फोटोडायोड है वो कैसे काम करता है। जैसे ही रोशनी गिरेगी, बीच में जो सिलिकॉन मटेरियल जो रहता है, इसमें से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों अलग अलग जाते हैं, तो होल्स पी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, और जिसकी वजह से जो है एक प्रकार का करंट पैदा होता है। यह सब सही सुन रहे हैं। जैसे उस पर बिजली गिरती है तो बीच का जो डेप्लीसेशन रीजन रहता है, यहाँ पे लाइट गिरने पर ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट करती है, और ये दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेस से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से एक तरीके से देखें तो ये करंट को जनरेट करने का काम करता है, करंट प्रोड्यूस करने का भी काम कर सकता है। इसके सब्सटेंट के लेयर्स आप देखोगे तो इस प्रकार से है, ओके। और ये उसका सिंबल है फोटोडायोड का। चलिए और अच्छी तरह से उसको समझाने की कोशिश करूँ तो फोटोडायोड एक ऐसा डायोड है जिसमें रोशनी एकदम नज़दीक लेके जाने पर ये करंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर, और जितना दूर लेके जाओगे उतना करंट कम पैदा करेगा। ये देखिए आपको एनिमेशन के ज़रिए दिखाई दे रहा है, राइट। ये देखो ये बल्ब है, और बल्ब जैसे ही नज़दीक लेके जाओगा तो फुल करंट पैदा करेगा, बल्ब जैसे जैसे दूर लेते जाओगे तो करंट की जो कैपेसिटी है वो भी कम होती जाएगी। हालांकि करंट और वोल्टेज कितना जनरेट करता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 से 4 मिली एम्प्स का, बहुत ही माइनर करंट जो है जनरेट कर सकता है ये। और मैक्सिमम अगर वोल्टेज की बात करूँ तो 0.7 से लेकर 1.5 वोल्ट जो है ये बना सकता है, ये उसकी खासियत है। हालांकि ये एक प्रकार का सेंसर के हिसाब से बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकता है, क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव है। हालांकि LDR से कई गुना बेहतर माना जाता है इसको, क्यों? क्योंकि ये जो है कलर को भी सेंस करता है, क्योंकि LDR जो खाली लाइट को सेंस कर सकता है, लाइट है नहीं है, मतलब लाइट है और नहीं है, चाहे कौन से भी कलर का लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारा फोटोडायोड है वो कलर सेंसिटिव भी रहता है, यानी कलर को भी पहचानने की काबिलियत रखता है, खास करके रेड और इंफ्रारेड लाइट में और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। और इसकी खासियत कि ये बल्ब जैसे ही नज़दीक ले गए हो तो और अच्छा आउटपुट देगा, और बल्ब जैसे ही दूर ले गए हो तो कम आउटपुट देगा, ओके। खुद जो है जनरेट करता है, ठीक है। ये इसके लिए हम लोग उसको पी और एन जंक्शन डायोड बोलते हैं, फोटोडायोड, ठीक है। अभी दोनों के डिफरेंस की बात कर ले, ये मेजर पॉइंट है आज का। अगर मैं LDR की बात करूँ, इट इज़ अ फोटो रजिस्टर है, और ये फोटो सेंसिटिव सेमी कंडक्टर है। रजिस्टिव का मतलब ऐसा होता है कि उसके अंदर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव का लाइन नहीं रहता है, जबकि पी एन जंक्शन होने की वजह से उसमें एनोड और कैथोड ज़रूर रहता है, ठीक है। ये डिफरेंस मैं आपको आगे बताऊँगा। हालांकि LDR की बात करें, अगर सेकेंड पॉइंट आप देखो तो ये कैडमियम सल्फाइड से बना हुआ है, जबकि ये पी और एन जंक्शन से बना हुआ है। LDR की बात करें तो व्हेन लाइट फॉल्स रेजिस्टेंस चेंजेस, जैसे ही उसके वो रोशनी गिरता है रेजिस्टेंस चेंज होता है। व्हेन लाइट फॉल्स इट प्रोड्यूस करंट, मैंने जैसे बताया कि डायोड जो है जैसे ही उसके रोशनी गिरे तो एक करंट जनरेट करता है, जबकि इसका जो है रेजिस्टेंस चेंज होता है और हमारी जो सर्किट होती है वो आगे बढ़ना शुरू करती है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस माना जाता है। इसकी जो सेंसिटिविटी है वो लेस है, और इसकी जो है मोर सेंसिटिव, ये जो है कम सेंसिटिव है, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा और अच्छी तरह से सेंसिटिव है लाइट के प्रति। ये स्लो है एज़ कम्पेयर टू फोटोडायोड, और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है LDR के मुकाबले, ओके। हालांकि कई कई जगह पे LDR हमको अच्छा पड़ता है सर्किट में यूज़ कर, कुछ जगह पे फोटोडायोड यूज़ करना पड़ता है। वर्क एज रजिस्टर, यहाँ पे LDR की बात करें तो LDR का मतलब ही है रजिस्टर, राइट। तो यहाँ पे वर्क एज रजिस्टर, हैंस डू नॉट हैव कैथोड और एनोड, जबकि यहाँ पे वर्क एज डायोड है तो उसके लिए उसके अंदर एक ये जो उसको लगाने का तरीका जो रहता है फोटो डायोड को, अगर आप ध्यान से देखो तो फोटो डायोड यहाँ पे देख सकते हैं उसका एक जो हिस्सा है वो कम रहता है, मतलब एक जो आपको मेटल रॉड दिखाई दे रहा है वो छोटा है और एक बड़ा है, तो एनोड और कैथोड इसके अंदर रहता है, ओके।
तो ये उसमें मेजर डिफरेंस है कि इसके अंदर एनोड और कैथोड रहता है, और ये जैसे हम लोग जीनर डायोड को लगाते हैं रिवर्स बेस्ड के अंदर, उसी प्रकार से फोटो डायोड का भी लगाना पड़ता है सर्किट के अंदर रिवर्स बायस। ठीक है, कैन नॉट सेंस डिफरेंट कलर्स, जबकि ये जो है डिफरेंट कलर्स को सेंस कर सकता है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसका जो यूज़ है इन स्ट्रीट लाइट पोजिशनिंग सेंटर, पोजिशनिंग सेंटर का मतलब होता है अभी जैसे कि सोलार चल रहा है, तो सोलार का अभी हमारा सूर्य कौन सी दिशा में मूव कर रहा है या कौन सी दिशा में आगे, तो उसको जो सेंस करने का जो पार्ट रहता है वो एलडीआर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकता है। होम ऑटोमेशन के लिए भी एलडीआर का बहुत अच्छा प्रयोग करता है। जबकि फोटो डायोड की बात करें तो वो जो सेंसिटिव चीज़ें रहती है जैसे कि स्मोक डिटेक्टर, सिक्योरिटी अलार्म, फिर फाइबर ऑप्टिक केबल्स का कुछ कम्युनिकेशन करने का काम, तो ये सब जो चीज़ें के लिए फोटो डायोड बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है, जबकि एलडीआर उतना काम सेंसिटिविटीली नहीं कर सकता। यानी जहाँ पे सेंस छोटा मोटा सेंसिंग करने का काम है तो वहाँ पे एलडीआर का प्रयोग होता है, और एकदम स्मॉल पार्टिकल्स को सेंस करने का जहाँ पे काम होता है तो वहाँ पे फोटो डायोड का काम किया जाता है। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आए। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया तो बहुत ही कम वीडियोस मिले एलडीआर और फोटो डायोड के ऊपर, इसके लिए खास करके मैंने ये दोनों के डिफरेंस रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश की है, वो भी हिंदी में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, कमेंट में लिखिए वीडियो आपको कैसा लगा, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसी प्रकार से बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको सब्सक्राइब करने को भी नया वीडियो डालूँ तो आपको मैं कुछ नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।